हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल के कुछ अपकमिंग अपडेट। एंड ये अपडेट्स जो हैं अभी फिलहाल चाइनीज बीटा टेस्टिंग में चल रहे हैं, तो डाउनलोड लिंक वगैरह मत मांगना मेरे से। एंड ये अपडेट्स आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम BRDM व्हीकल के बारे में बात करेंगे, लश ग्रैबिंग के बारे में बात करेंगे, जो नई गन आ रही है डीगल, और कुछ नए मैप्स और कुछ नई चीजें आ रही है, तो वो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू गोजीटा गेमिंग, बिकॉज उन्हीं की तरफ से ये सारी लीक्स आ रही है। तो डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक है, तो प्लीज जाकर के चेकआउट करना और ज्यादा फास्ट अपडेट्स के लिए। और अभी अपन यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो उसका सबसे पहले तो आप ऑन स्क्रीन पैच नोट देख सकते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो उस वाले वर्जन में अभी फिलहाल हमारे पास है एक नया गन जो कि न्यू फायर आर्म डीगल है। डीगल वाले पिस्टल जो है आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का डीगल है और ये मोस्ट पावरफुल वेपन है और ये वन शॉट किल होने वाला है इस गेम में। तो ये फिलहाल पीसी पे आया था और उसके बाद अभी हमें बीटा टेस्टिंग में देखने को मिल रहा है, तो ये गन आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरी चीज है BRDM2, जो BRDM2 व्हीकल है, जो टैंक आने वाला था, आर्मर टैंक कह लो उसको। ऑन स्क्रीन आप उसका फुटेज देख सकते हैं एंड काफी कमाल का व्हीकल लग रहा है, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। और ये जो व्हीकल है ये पानी के अंदर भी चल सकता है, 4 लोगों की कैपेसिटी है और तकरीबन ये 2 गुना ज्यादा पावरफुल है आपके आर्मर्ड यूएजी से। इसको मंगाने का एक ही तरीका है, वो आपको जोन के आउटसाइड जाकर के फ्लेयर गन से फायर करके मंगाना पड़ेगा, तब ये आएगा। आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन की किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आने वाली है वो आ रही है लेज ग्रैबिंग। तो लेज ग्रैबिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि आप एक घर से दूसरे घर पे जंप करके ग्रैब कर सकते हो उसके लेज को, और उसके बाद फिर आप जो नॉर्मल पार्कोर थिंग है वो वाली चीजें कर सकते हो। तो ये पार्कोर का थोड़ा सा ग्लिम्स आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करने वाला है हमारे पबजी मोबाइल में, और ये भी फिलहाल टेस्टिंग में है, तो ये काफी कूल लग रहा है। लेज ग्रैबिंग बहुत अच्छी चीज आने वाली है। और एक चीज और बड़ी अच्छी चीज देखने को मिल रही है, वो है ये स्लाइडिंग इफेक्ट। तो ये स्लाइड वाली चीज जो है वो मुझे नहीं पता कि लेज ग्रैबिंग के अंदर ही आती है या फिर अलग से है, क्योंकि पबजी पीसी में शायद नहीं है ये, लेकिन पबजी मोबाइल के चाइनीज वर्जन में ये स्लाइडिंग वाली चीज काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये स्लाइडिंग वाली चीज हम COD में देख चुके, एपिक्स में भी देख चुके हैं, और काफी ऐसे गेम्स है जिसके अंदर ये स्लाइडिंग वाला चीज है। तो ये जो स्लाइडिंग एनिमेशन आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि जहां पे स्लाइड हो रहा है वो एरिया भी चेंज है, तो उस एरिया के बारे में भी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। तो ये होगी लेज ग्रैबिंग वाली चीज जो आपको आने वाले अपडेट में देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों जो गैस कैन एक्सप्लोसिव था, जो गैस कैन फट जाता था, उसकी भी फुटेज आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। तो यहाँ पे डीगल से गैस कैन को उड़ाया जा रहा है, तो कितना कूल लग रहा है। तो गैस कैन भी फटने वाला है आने वाले टाइम में। ये सारे अपडेट पीसी पे आए हुए थे और ये अब हमारे पबजी मोबाइल में भी आ गए हैं टेस्टिंग में। उसके बाद दोस्तों जो गेम में इंप्रूवमेंट करी है वो है इनके स्काई डाइविंग में। जो हम जंप करते थे प्लेन से, तो उसकी एनिमेशन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करी है। उसके बाद जो लैंड होते हैं, उसके बाद जो पैराशूट इफेक्ट जो है वो गायब होता है, वो वाली चीज उन्होंने इंप्रूव करी है। ये तकरीबन उन्होंने पीसी जैसा ही बना दिया है जंपिंग का एंड लैंडिंग का। तो यहाँ पे फ्लाइंग मैकेनिक्स में जो है थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, जो कि काफी अच्छे हैं, काफी सिमिलर है पीसी से। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक नए TDM मोड के बारे में। तो यहाँ पे आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का लुक है नए वाले TDM का, और इस तरीके से आपको मेन्यू में देखने को मिल जाएगा जो हमारा पुराना वाला TDM था और उसके बाद जो नया वाला TDM है। इसके अंदर भी कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा हमारे पुराने वाले TDM में था, बट मैप चेंज है, लोकेशन चेंज है, और ये मैप काफी हद तक CSGO का एक मैप था, मैं नाम भूल गया उसका, उसकी काफी याद दिलाता है। आप लोग शायद बता पाएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो ये है, और उसी के अंदर आप ये स्लाइडिंग इफेक्ट देख सकते हो। तो ये स्लाइडिंग एनिमेशन उसी वाले मैप में किया गया है, और ये मैप हमें शायद देखने को मिले हमारे ग्लोबल वर्जन पे। फिलहाल तो अभी ये टेस्टिंग फेज में है, देखते हैं ग्लोबल वर्जन पे ये आ पाए तो आ पाए, मेरे ख्याल से आ जाएगा। किसी ना किसी ज़ॉम्बी मोड को रिप्लेस करके ये वाला मोड आएगा मुझे लग रहा है। और दोस्तों बड़ी एक कमाल की चीज ये है कि इस गेम के अंदर आप लोगों को अब 120 FPS तक कभी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं जो चाइनीज वर्जन है उसका, यहाँ पे सेटिंग में आप देख सकते हैं कि 90 FPS का भी ऑप्शन है और 120 FPS का भी ऑप्शन है। तो ये 120 FPS हमारे रेगुलर फोन्स जो हैं उसमें तो फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जो गेमिंग फोन्स है जैसे कि Asus के रोग फोन हो गए या फिर ब्लैक शार्क फोन हो गए या रेजर के कुछ फोन्स हो गए, उनकी स्क्रीन जो है वो मेरे ख्याल से 122 Hz होती है या 144, आई डोंट नो, बट उनके स्क्रीन पे अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा 120 FPS का। हमारे रेगुलर फोन्स में 60 के ऊपर का पता भी नहीं चलेगा हमको। तो ये वाली चीजें हैं और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम में। तो BRDM व्हीकल जो सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड अपडेट है, उसके बाद डीगल है, उसके बाद फिर ये लेज ग्रैबिंग वाली चीज जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी, और ये मेरे ख्याल से इरेंगल 2.0 के आने से पहले का अपडेट है। तो इरेंगल 2.0 बाद में आएगा और उसके बाद ये शायद ये वाले अपडेट आए, ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इरेंगल 2.0 से पहले ये आ जाएगा, क्योंकि इरेंगल 2.0 की आई थिंक टेस्टिंग भी अभी तक चालू नहीं हुई है। सो दोस्तों ये थी
कुछ अपडेट्स एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना एंड ह्यूज थैंक्स टू गोजीटा गेमिंग जिनकी वजह से हमें ये लीक्स मिली हैं, तो उनके चैनल को भी एक बार जाकर के चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड अगर आप इस वीडियो को यूज करना चाह रहे हो तो यूज कर लेना, बट आप डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर क्रेडिट प्रोवाइड कर देना ओरिजिनल सोर्स का। ओके सो दैट्स इट गाइस, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।